गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकित अरोरा बैक विद जीएसटी। और जीएसटी में अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा सेक्शन नंबर 73, हमने देखा 74, एंड हमने देखा मॉनिटरी लिमिट। मॉनिटरी लिमिट में था कि सुपरिटेंडेंट जो है, सुपरिटेंडेंट अगर सीजीएसटी के लिए या फिर एसजीएसटी के लिए क्या दे रहा है, सीजीएसटी या एसजीएसटी के लिए दे रहा है आपको नोटिस या फिर ऑर्डर दे रहा है, तो अबाउट 10 लाख नहीं दे सकता, अप टू 10 लाख है। उसके बाद आता है कौन, उसके बाद एसीडीसी आते हैं जो अबाउट 10 लाख और फिर 1 करोड़ तक जाते हैं, और जॉइंट कमिश्नर जाता है अबाउट 1 करोड़ विथ नो लिमिट। और उसके बाद अगर आप आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी प्लस आईजीएसटी की बात करें, तो हर लिमिट को आपको क्या करना होगा, डबल करना होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और साथ में देखा था हमने क्या, रिविजन सेक्शन 73-74 का। अब हम आ जाते हैं आगे, आगे हमें क्या करना है, आगे करना है हमें सेक्शन नंबर 75। हमें क्या करना होगा सेक्शन नंबर 75, और सेक्शन नंबर 75 में क्या दिया है, चलो जल्दी से आते हैं। हाँ, ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 75। देखो, बहुत जनरल से प्रोविजंस हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है, वैसे भी एक्चुअल में जनरल प्रोविजन है जो आप लॉजिकली भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। एक रीडिंग की जरूरत है, इस पर हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जहां हमें फोकस करना है हम वहीं पे क्या करेंगे, हमारा टाइम लगाएंगे। तो चलो सेक्शन नंबर 75, सेक्शन नंबर 75 का पहला 75 सबसेक्शन 1 क्या होता है, कहता है पीरियड ऑफ स्टे टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड। बिल्कुल सही बात कही गई है, लिमिटेशन पीरियड अगर आप क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, तो आपको एक्सक्लूड करना होगा पीरियड ऑफ स्टे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है, एक बार रीडिंग देखो कि पीरियड ऑफ स्टे टू बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड फॉर व्हाट? लिमिटेशन पीरियड फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस और फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सपोज हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 73 की, किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 73 की। ये कहता है 2 ईयर्स 9 मंथ के अंदर शो कॉज नोटिस आपका क्या हो जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए। दूसरा बोलता है सेक्शन 73 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 ईयर्स के अंदर ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, इशू हो जाना चाहिए। अब क्या हुआ, ये जो 3 साल चालू होते हैं, या तो ड्यू डेट आई एम रिपीटिंग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न वहां से होते हैं, या फिर जब आपको रिफंड रॉन्गली क्या किया जाता है, ग्रांट किया जाता है, उस डेट से होते हैं। अब क्या हुआ, सपोज करो 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, आपको रॉन्गली ग्रांट कर दिया था रिफंड। इस दिन क्या हुआ था, गलत रिफंड आपको ग्रांट हो गया था। अब यहाँ से 3 साल गिनने, तो 2018 2019 2020, यहाँ से क्या हो गया 2020 अप्रैल, ये हो गया आपके लिए क्या, जब शो कॉज नोटिस इस पीरियड में इशू हो सकता है 2 ईयर्स 9 मंथ के अंदर, या फिर आपका ऑर्डर 3 ईयर्स के अंदर क्या हो सकता है, इशू हो सकता है। लेकिन क्या हुआ, हुआ ये कि इन क्या हुआ 2018 में हाई कोर्ट ने या फिर कोर्ट ने क्या किया, अपलेट ट्रिब्यूनल ने स्टे दे दिया। उन्होंने स्टे मांगा डिमांड के रिस्पेक्ट में, कुछ भी, तो उन्हें क्या मिल गया, स्टे मिल गया। अब स्टे का पीरियड कितना था, सपोज 6 मंथ, स्टे का पीरियड कितना था 6 मंथ, मतलब आप ये जो 6 महीने का पीरियड है वो इस 3 साल में या 2 ईयर्स 9 मंथ में काउंट नहीं करेंगे। ये 6 महीने को हटाने के बाद, इस 6 मंथ को आपको हटाना है, उसके बाद आपको ओवरऑल 2 ईयर्स 9 मंथ या फिर 3 ईयर्स काउंट करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ वही बोला है कि स्टे पीरियड एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग व्हाट द टाइम फॉर सर्विस ऑफ नोटिस और इशू ऑफ द ऑर्डर, पहली चीज ये, एंड सच स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड, इट शैल बी व्हाट, इट शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ इशू ऑफ नोटिस एंड इशुएंस ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑर्डर, जो हमने कही बात वही है। फिर इसके बाद आगे आता है क्या, इन केस चार्ज ऑफ फ्रॉड एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट आर नॉट एस्टैब्लिश्ड फॉर अ नोटिस इशूड इन फ्रॉड। आपने, मैं यही बता देती हूँ इसको रीड करने की जगह, आपको क्या हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ने
गुनाहगार मान के सेक्शन 74 का आपको क्या दे दिया, नोटिस इशू कर दिया। आपको सेक्शन 74 का नोटिस इशू हो गया, आपको गलत समझा गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, आपने तो फ्रॉड किया ही नहीं, आप तो बिल्कुल बेकसूर थे, मासूम थे। तो अब क्या होगा, अब ये जो नोटिस है ये माना जाएगा कि सेक्शन नंबर 74 का है और टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी अब क्या होगी, 73 के अकॉर्डिंग क्या होगी, कैलकुलेट की जाएगी। तो यहाँ वही लिखा है, क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं। वेयर अपीलेट ट्रिब्यूनल और अपीलेट अथॉरिटी और कोर्ट कंक्लूड्स दैट, क्या कंक्लूड करता है कि नोटिस इशूड, द नोटिस इशूड अंडर 74 सबसेक्शन 1 इज नॉट सस्टेनेबल फॉर द रीजन ऑफ चार्ज ऑफ फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ द फैक्ट एंड दैट टैक्स हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड अगेन द पर्सन टू हुम नोटिस वॉज इशूड। प्रॉपर ऑफिसर डिटरमाइन करेंगे क्या कि टैक्स पेबल होगा, डीमिंग दैट द नोटिस वॉज इशूड अंडर 73। मान लिया जाएगा कि अब आपको 73 का नोटिस इशू हुआ था, ना कि 74 का, एक सिंपल सी बात। सी बोलता है एडजुडिकेशन ऑर्डर इशूड इन पर्सुएंस ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट्स डायरेक्शन मे बी, कोर्ट्स डायरेक्शन बी इशूड विद इन 2 ईयर्स। सीधी बात ये बोली गई कि अगर सपोज करो हमारे प्रॉपर ऑफिसर को अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बोला है कि आप इस अकॉर्डिंग डायरेक्शन दो, डायरेक्शन देने वाला कौन है कि आपको क्या करना है, अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट बोलता है कि इस तरह से आप डायरेक्शन इशू करो, तो अगर आपको इनमें से किसी ने कहा है तो आपको विद इन 2 ईयर्स क्या करना होगा, ये डायरेक्शन इशू करना होगा। कब से 2 ईयर्स, जब से आपको डायरेक्शन मिला है कि आपको ये ऑर्डर इस तरह से देना है, तो डेट ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शन वहां से 2 साल के अंदर आपको ऑर्डर इशू करना होगा। तो सिंपल सी बात यही कही है क्या कि वेयर ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन पर्सुएंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल और कोर्ट, सच ऑर्डर शैल बी इशूड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सैड डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद आपको कोई भी केस ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट सामने वाले को देना होगा, 75 सबसेक्शन 4 बोलता है। ये ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको बस एक एक बार बता के आगे बढ़ रही हूँ। जहां मुझे लगता है कि फोकस करना है मैं आपको बिल्कुल फोकस करवाऊंगी, बट यहाँ पे नहीं लग रहा है तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, आगे बढ़वा रही हूँ। फिर आगे आता है एडजॉर्नमेंट की बात आती है, एडजॉर्नमेंट ऑफ द हियरिंग टू ग्रांट टाइम टू पर्सन चार्जेबल विद टैक्स। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसे क्या चाहिए, थोड़ी सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, ही वॉन्ट सम टाइम, तो एडजॉर्नमेंट ऑफ केस हो सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर अगर उसे लगता है कि सफिशिएंट रीजन है पर्सन के पास, जिस पर्सन को टैक्स भरना है वो बोल रहा है मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, और हमारा प्रॉपर ऑफिसर बोलता है हाँ आपके पास सफिशिएंट कॉजेज हैं, तो वो एडजॉर्न कर सकता है हियरिंग को। रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, ये चीज याद रखना, जब भी एडजॉर्नमेंट होगा, जब भी क्या होगा, एडजॉर्नमेंट होगा, रीजन रिकॉर्ड होगा इन राइटिंग। लेकिन मैक्सिमम एक हियरिंग की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम आपको एडजॉर्नमेंट कितनी मिल सकती है, 3 times। पूरी प्रोसीडिंग्स जो हो रही है, पूरी प्रोसीडिंग में मैक्सिमम 3 adjournment आपके लिए है। पूरी प्रोसीडिंग में मैक्सिमम कितनी है, 3 adjournment मिल सकती है। और इसके आगे बोला है एडजुडिकेशन ऑर्डर जो भी होगा, स्पीकिंग ऑर्डर होगा, मतलब उसमें रीजन फैक्ट्स वगैरह सब लिखे होंगे। एक जनरल सी बात कि जब भी ऑर्डर देगा प्रॉपर ऑफिसर, वो ऑर्डर क्या होगा, स्पीकिंग ऑर्डर, जिसमें फैक्ट्स किस लिए, फैक्ट्स क्या थे जिसके बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया, वो सारी चीजें लिखी होंगी। फिर कहता है आगे एफ पॉइंट कि टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड इन ऑर्डर नॉट टू एक्सीड अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस। यहां बोला गया है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिमांडेड इन ऑर्डर, ऑर्डर में जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी आप मांग रहे हैं वो किससे ज्यादा नहीं हो सकती, शो कॉज नोटिस में जो आपने टैक्स बोला है, इंटरेस्ट बोला है, पेनल्टी उससे ज्यादा नहीं, मतलब शो कॉज नोटिस में जितना अमाउंट आपने बोला है उससे ज्यादा आपकी डिमांड किस में नहीं जा सकती, ऑर्डर में उससे ज्यादा आपकी डिमांड नहीं जा सकती। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। फिर क्या बोला आगे, इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स बाय अपीलेट अथॉरिटी या ट्रिब्यूनल या कोर्ट, पेनल्टी इंटरेस्ट भी मॉडिफाइड। हाँ, लेकिन अगर क्या हुआ,
यहाँ बोल रही शो कॉज नोटिस में जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है उससे ज्यादा ऑर्डर में नहीं हो सकती, पर कम हो सकती है, यस कम हो सकती है। और अगर कम हुई है, मॉडिफिकेशन कुछ हुआ है, तो मॉडिफिकेशन के केस में आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली आती है, ध्यान रखो, कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस में जितना डिमांड किया उससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता, ऑर्डर में डिमांड नहीं किया जा सकता। पर सपोज करो न्यू फाइंडिंग्स आ गई, शो कॉज नोटिस आपको इशू हुआ, एडजुडिकेशन ऑर्डर जब आ रहा था उसमें और भी चीजें सामने आ गई। शो कॉज नोटिस में तो हम 1 करोड़ मांग रहे थे, अब पता चल रहा है इससे तो 2 करोड़ लेने के हैं, तो क्या होगा? तब ये होगा कि एक फ्रेश शो कॉज नोटिस इशू होगा 2 करोड़ के लिए। फ्रेश शो कॉज नोटिस क्या होगा, 2 करोड़ के लिए इशू होगा। या फिर क्या करो, 1 करोड़ के लिए इधर ऑर्डर दो और अनादर 1 करोड़ के लिए आप क्या करो, शो कॉज नोटिस इशू करो। क्योंकि क्या बोला है कि शो कॉज नोटिस के बराबर ऑर्डर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, पर इन केस कभी ज्यादा हो जाए तो फ्रेश प्रोसीडिंग्स चालू होंगी फॉर कितना डिफरेंस अमाउंट, कितनी डिफरेंस अमाउंट के लिए क्या होंगी, फ्रेश प्रोसीडिंग्स आपकी स्टार्ट होंगी। आगे कहता है कि जो मॉडिफिकेशन टैक्स में होगा अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट पेनल्टी का भी क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मैंडेटरी, यस आपको इंटरेस्ट पे करना मैंडेटरी है, भले ही फिर ऑर्डर में लिखा हो या नहीं लिखा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इंटरेस्ट को पे करना ही है, ठीक है। फिर आगे, फिर ये भी जरूरी है जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया है 3 इयर्स या 5 इयर्स का, उसी टाइम में आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होना चाहिए। बहुत जनरल सा पॉइंट है कि अगर आपको 3 साल का टाइम दिया है 73 सेक्शन ने, 5 इयर्स का टाइम दिया है 74 सेक्शन में, तो उतने ही टाइम लिमिट में आपका एडजुडिकेशन ऑर्डर पास होना कंपलसरी है। अगर नहीं हुआ, अगर आपने शो कॉज नोटिस इश्यू नहीं किया या फिर ऑर्डर पास नहीं हुआ, तो मान लिया जाएगा कि प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो चुकी है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ाती हूँ अच्छे से। लिखा है जीएसटी लॉ इंश्योर्स टाइमली डिस्पोजल ऑफ केसेस बाय प्रोवाइडिंग दैट इफ एडजुडिकेशन ऑर्डर नॉट इशूड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 3 और 5 ईयर्स एज द केस में बी, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग इज डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। मान लिया जाएगा सब कंक्लूड हो गया, मतलब आपने जितना काम किया है, जितना आपने डिमांड निकाली है उतनी ही आएगी, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया, अब आप उससे रिकवरी नहीं कर सकते। ज्यादा अमाउंट आ रहा है, कम आ रहा है, आपने ऑर्डर टाइम पे नहीं दिया, अब रिकवरी नहीं हो सकती। टाइमली आपको क्या करना था, डिस्पोजल ऑफ द केस करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इन केस ऑफ अपील फाइल बाय द डिपार्टमेंट अगेंस्ट प्री जुडिशियल डिसीजन। अब देखो सुनो बात, हुआ क्या, हम डिपार्टमेंट वाले, मैं कौन हूं, मैं डिपार्टमेंट वाली। अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट अपीलेट अथॉरिटी जो है, अपीलेट अथॉरिटी ने एक डिसीजन पास किया। मैं डिपार्टमेंट हूँ, अपीलेट अथॉरिटी जो है, अपीलेट अथॉरिटी एक डिसीजन पास करी, एंड वो डिसीजन प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। वो डिसीजन क्या है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, रेवेन्यू। देखो ये है कौन, डिपार्टमेंट, ये कौन है, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, डिपार्टमेंट ने क्या किया, अपीलेट अथॉरिटी के पास क्या किया था, कोई केस लेके गया था, ठीक है, अच्छी बात है, अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई केस गया। अब अपीलेट अथॉरिटी ने क्या दिया, डिसीजन, ऑर्डर दे दिया, डिसीजन दे दिया अपना। अब ये जो डिसीजन है ना, ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन प्री जुडिशियल है। ये क्या है, प्री जुडिशियल, मतलब किसके खिलाफ जा रहा है, किसके इंटरेस्ट के खिलाफ, प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, उनको नुकसान हो रहा है इससे। अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, इस अपीलेट अथॉरिटी के अपील के अगे ऑर्डर के अगेंस्ट आगे क्या कर दी, अपील कर दी अपीलेट ट्रिब्यूनल को। कहाँ कर दी, अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील कर दी, ठीक है। अब ये जो टाइम लिमिट है, जब ये ऑर्डर डिसाइड फिर से होगा, तो ये जो टाइम लिमिट है, ये भी आपको एक्सक्लूड करना होगा। किसमें से एक्सक्लूड करना होगा,
फ्रॉम द ये जो टाइम लिमिट है, कौन सा डेट ऑफ डिसीजन, कौन सा टाइम लिमिट है डेट ऑफ डिसीजन ऑफ हायर अथॉरिटी एंड दैट ऑफ लोअर अथॉरिटी बी एक्सक्लूडेड. अब कहाँ से एक्सक्लूड करोगे, वेयर प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय वे ऑफ शो कॉज नोटिस. प्रोसीडिंग्स क्या है, 3 साल में खत्म हो जानी चाहिए, तो उन 3 सालों में से आपको ये वाली चीजें क्या करनी होगी, ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड करना होगा. मतलब ये है कि अगर एक लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी को एग्रीव्ड होके, जस्ट बिकॉज डिपार्टमेंट के लिए प्री जुडिशियल है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कोई डिसीजन गया है, तो डिपार्टमेंट जा रहा है किसके पास, डिपार्टमेंट जा रहा है हायर अथॉरिटी के पास, और हायर अथॉरिटी ऐसा डिसीजन दे रही है कि उसे फिर और हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ रहा है. तो जब जब लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी के पास जाएगी, वो टाइम लिमिट जब फिर से डिसीजन लिया जाएगा, वो टाइम लिमिट आपके 73-74 का जो टाइम लिमिट 3 ईयर्स और 5 ईयर्स का दिया है एडजुडिकेशन ऑर्डर पास करने का, उसमें एक्सक्लूड किया जाएगा. तो दो चीज़ें एक्सक्लूड होती है उसमें से, एक तो स्टे ऑर्डर उसका टाइम, और दूसरा ये जो डिसीजन लेने में टाइम जा रहा है वो. अब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसमें बताया है लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी कौन कौन सी हो सकती है. तो जैसा बोला है कि अपीलेट अथॉरिटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल से वो क्या है, दुखी हो गया, तो अब कहाँ कौन किसको अप्लाई करा वो यहाँ पे दिया हुआ है. देखो जैसे कि कहाँ दिया है, अपील्स, अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. अगर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा डिसीजन फिर से लेने के लिए, या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हाई कोर्ट को भेजा, तो जहां भी लोअर अथॉरिटी जहां भी हायर अथॉरिटी को अपना डिसीजन लेने के लिए भेज रही है, तो जितना टाइम लगा है उस डिसीजन को लेने के लिए, वो टाइम लिमिट शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद जो आपकी प्रोसीडिंग्स चालू होती है, उस 3 और 5 साल में से एक्सक्लूडेड है, दैट इज एक्सक्लूडेड. ठीक है, आगे आगे बोला अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स और इंटरेस्ट रिमेनिंग अनपेड टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन 79. सीधी सी, बहुत सीधी सी बात बोल रही है. आपने टैक्स क्या किया, आपने सेल्फ असेस कर लिया टैक्स, उस पे इंटरेस्ट आप पे नहीं कर रहे हो. जब खुद सेल्फ असेस कर चुके हो टैक्स, खुद बता चुके हो कि मुझे तो इतना भरना है, उसके इंटरेस्ट को आप उस भर ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, आपको कोई शो कॉज नोटिस नहीं जाएगा. क्योंकि लॉजिकल है, आप खुद मान रहे हो कि मुझे सेल्फ असेस करा हुआ है, सेल्फ खुद ने असेस किया है वो टैक्स, आप बोल रहे हो मुझे इतना भरना है, और उतना भरना बोल के भी आप वो टैक्स नहीं पे कर रहे हो, तो आपको शो कॉज नोटिस की क्या जरूरत है, आपको तो सीधे रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 79 स्टार्ट हो जाएंगी. आर यू गेटिंग द पॉइंट? फिर लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, पेनल्टी बीइंग इम्पोज अंडर 74-73, नो अदर पेनल्टी टू बी इम्पोज. जस्ट अ मिनट, सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर में क्या बोला है कि जो पेनल्टी आपकी 73-74 में लग चुकी है, तो नो अदर पेनल्टी टू बी इम्पोज फॉर द सेम एक्ट और ओमिशन. कोई और पेनल्टी, देखो अगर आपको 73-74 की पेनल्टी लगा दी, तो उस हमारे जीएसटी एक्ट में फिर दूसरे सेक्शंस में आपको पेनल्टी नहीं लगेगी. इसी गुनाह के ऊपर दो सेक्शंस को लगा के आपको पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. एक बार आपको पेनल्टी लग चुकी है, एक बार आपको क्या लग गया है, पेनल्टी लग गई है अगर 73-74 की, तो दूसरे सेक्शन से पेनल्टी नहीं लगेगी. आपका अगर यहाँ प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो चुके हैं, तो वहां भी मान लिया जाएगा कि प्रोसीडिंग सारे आपके कंक्लूड हो गए हैं. ठीक है, 75 आया, नहीं आया तो भी बताओ, आया तो भी बताओ, क्योंकि बहुत जनरल था तो मुझे लगा कि मैं इसे स्पीड में आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और नहीं आया तो डाउट पूछ लेना, या फिर से ये वीडियोस क्या करना, थोड़ी सी स्पीड स्लो करके देख लेना. वैसे मैंने कोशिश की है कि नॉर्मल स्पीड ही रखी जाए. आते हैं सेक्शन नंबर 76, जो है क्या, टैक्स तो कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट कर लिया बट नॉट डिपॉजिटेड. आपने गवर्नमेंट के नाम पे टैक्स कलेक्ट कर लिया कि भैया इस चीज पे टैक्स लगता है, और अब आपने क्या नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या होगा? तो डायरेक्टली गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप किसी और के पैसे पे रिच नहीं बन सकते. आप गवर्नमेंट के नाम पे पैसा ले रहे हो और गवर्नमेंट को ही पैसा नहीं दे रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते. आप अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकते, मतलब आप क्या नहीं कर सकते, किसी और के नाम पे पैसा लेके आप रिच नहीं बन सकते. तो सबसे पहले बोला है क्या, सेक्शन 76 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टैक्स कलेक्टेड
कलेक्टेड फ्रॉम एनी पर्सन टू बी पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सबसे पहले तो बोला अगर आप टैक्स के नाम पे कोई भी पैसा किसी से भी ले रहे हो तो आपको वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा. तो लिखा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग टू कंट्ररी कंटेन इन एनी ऑर्डर. भले ही कोई ऑर्डर किसी का भी हो, एपिलेट अथॉरिटी का हो, एपिलेट ट्रिब्यूनल का हो, किसी कोर्ट का हो, या फिर कोई भी प्रोविजन हो इस एक्ट का, अगर उसमें कुछ भी लिखा है, कोई भी चीज़ लिखी, कोई भी ऑर्डर लिख दिया है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि चाहे कहीं भी कुछ भी कहा गया हो, इफ़ यू हैव कलेक्टेड एनी अमाउंट फ्रॉम एनी पर्सन इन फॉर्म ऑफ टैक्स, यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू गवर्नमेंट, यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी और एनी ऑफ द कोर्ट और लॉ और एनी एक्ट. मतलब कहीं भी कुछ भी लिखा है उसको सबको क्या मारो, गोली मारो. और सीधी बात ये कि अगर टैक्स के फॉर्म में कुछ भी किसी से कलेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके भर दो, दैट्स इट. ठीक है, अब आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं मेड देयर अंडर फॉर द टाइम बीन इनफोर्स एवरी पर्सन हु हैज कलेक्टेड फ्रॉम एनी अदर पर्सन एनी अमाउंट दैट रिप्रेजेंट टैक्स अंडर द एक्ट एंड हैज नॉट पेड द सेड अमाउंट टू द गवर्नमेंट शेल pay the said amount to government irrespective whether the supplies in respect of which amount was collected was taxable or not. भले ही फिर अब जो सप्लाई आपने किया था वो exempt भी था, लेकिन आपने exempted चीज़ पे भी क्या किया, टैक्स कलेक्ट किया, तो भी गवर्नमेंट को दो, भले ही आपका सप्लाई टैक्सीबल था या नहीं था. although your supply was taxable or not नहीं पता, लेकिन आपको अब क्या करना होगा, टैक्सेस कलेक्ट किए तो गवर्नमेंट को दो. आगे बोलते हैं इशू शो कॉज नोटिस, लेकिन हाँ यहाँ पे भी आपको शो कॉज नोटिस गवर्नमेंट को देना ही होगा. जब भी एसएससी के लिए कुछ गलत मतलब एसएससी के अगेंस्ट में कोई डिसीजन जाता है शो कॉज नोटिस आना ही होता है. तो दिया है वेयर द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन 1 विच हैज नॉट बीन सो पेड द प्रॉपर ऑफिसर सर्व पर्सन हु इज लाइबल टू पे द सच अमाउंट अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज एज टू वाई द अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस शुड नॉट बी पेड बाई हिम टू गवर्नमेंट एंड वाई पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन नोटिस शुड नॉट बी इम्पोज ऑन हिम. मतलब बताओ कि क्यों तुमसे वो पेमेंट कलेक्ट किया ना नहीं कलेक्ट किया जाए, क्यों आप लाइबल नहीं है उतना पैसा भरने के लिए, शो कॉज नोटिस दिया जाएगा. फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रॉपर ऑफिसर उसका सामने वाला क्या होगा, इस नोटिस के अगेंस्ट में कुछ रिप्रेजेंटेशन देगा, प्रॉपर ऑफिसर रिप्रेजेंटेशन देखेगा और कितना अमाउंट ड्यू है उस पर्सन से, उसके बाद वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा. इस पे भी उसे क्या करना होगा, उसको इंटरेस्ट पे करना होगा इस अमाउंट पे अंडर सेक्शन 50, दैट इज व्हाट 18%, जो कितना है 18%, जितना है कितना 18%, इस पे भी उसको क्या करना होगा, इंटरेस्ट पे करना ही होगा. सीधी सी बात, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना होगा. टाइम क्या है इस ऑर्डर को इशू करने के लिए, टाइम है 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस. टाइम फॉर इशू ऑफ ऑर्डर, आपने क्या किया, देखा कि सामने वाले ने कलेक्ट किया, आपको पे नहीं किया, आपने शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, सामने वाले ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, आप फिर भी अपनी बात पे अड़े, वो अपनी बात पे अड़ा है, अब उसने आगे जाके क्या कर दिया, अपील कर दी. तो अब ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कब तक इशू हो सकता है, तो ऑर्डर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस, नोटिस इशू होने से 1 ईयर के अंदर क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए. लेकिन कोई स्टे वगैरह आता है तो इस 1 साल में वो स्टे को आपको क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा. तो उस रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट जो आपका ऑर्डर है, सामने वाले ने रिप्रेजेंटेशन किया, आपको ऑर्डर देना है, तो अब वो जो आपका ऑर्डर है वो 1 ईयर के अंदर जाना चाहिए. जब से आपने शो कॉज नोटिस इशू किया उसके 1 साल के अंदर आपका ऑर्डर चले जाना चाहिए, लेकिन उसमें से स्टे का पीरियड एक्सक्लूड करना होगा. और ये ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर है जिसमें फैक्ट्स वगैरह सब लिखे होंगे कि कैसे कहाँ क्या करके आपने ये अमाउंट निकाला. ठीक है, लास्ट, अब जो अमाउंट पे किया आपने, यहाँ लिखा है द अमाउंट पेड, क्या लिखा है, अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 इज एडजस्टेड अगेंस्ट द टैक्स पेबल इफ एनी बाय पर्सन इन रिलेशन टू सप्लाइज रिफर्ड इन सबसेक्शन 1. आपने जो भी अमाउंट पे किया, तो अब आपका जो टैक्स पेबल आ रहा था, आपका जो टैक्स पेबल आ रहा था उसमें से ये जो अमाउंट आप पे कर देते हैं उसको क्या कर दिया जाएगा, उससे एडजस्ट कर दिया जाएगा. सपोज करो कोई केस है कि अभी सरप्लस रह गया, अभी क्या रह गया, सारा टैक्स पेबल आपसे जो था उससे उसको एडजस्ट कर दिया, अभी भी गवर्नमेंट के पास सरप्लस अमाउंट बचा है,
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो वो सरप्लस अमाउंट क्या करेगी, कंज्यूमर वेलफेयर अकाउंट में डाल देगी। आपको रिफंड क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आपने तो वैसे भी टैक्स था नहीं, टैक्स के फॉर्म में फिर भी आपने कलेक्ट कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आपके जो टैक्स पेबल थे उससे उसको एडजस्ट किया। अब सरप्लस अभी भी गवर्नमेंट के पास बच गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे कंज्यूमर वेलफेयर में लेके जाएगी, या फिर वो कस्टमर जिससे आपने टैक्स के फॉर्म में ये पैसा कलेक्ट किया था, अगर वो रिफंड के लिए एप्लीकेशन देता है तो उसको क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। तो लिखा है कि अगर सरप्लस लेफ्ट है तो एडजस्टमेंट हो जाएगा सबसेक्शन 9। सबसेक्शन 9 में क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। सरप्लस या तो क्रेडिट किया जाएगा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में, या फिर जिस पर्सन से आपने टैक्स कलेक्ट किया था उसको रिफंड कर दिया जाएगा, अगर वो सेक्शन 54 में रिफंड की क्या देता है, एप्लीकेशन देता है। अगर वो रिफंड की एप्लीकेशन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। जनरल सी चीजें हैं। एक बार देखो, नया वीडियो जब आएगा मैं इसको एक बार आपका रिपीट तो करवाऊंगी ही, तो इसलिए मैं बार बार यहाँ रिपीट नहीं करवा रही, क्योंकि अननेसेसरी ये चीजों को रिपीट करना कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत जनरल सी है। आप एक दो बार पढ़ोगे समझोगे, आपको वैसे ही पता है कि ये सारी चीजें होनी ही है। जो नहीं पता वो ये था कि कंज्यूमर वेलफेयर में जाएगा या तो सामने वाला पर्सन रिफंड के लिए बोल सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो वैसे भी क्या करेंगे, इन चीजों को वापस क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। आते हैं सेक्शन नंबर 77 पे। किस पे, सेक्शन 77, कि गलती से कलेक्ट किया टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसने सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया, क्या मानते हुए इंट्रा स्टेट, पर वो था क्या, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन था। आप बोल रहे हो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है, आपने सीजीएसटी एसजीएसटी कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया। दूसरा केस, आप मान रहे हो ये इंटर स्टेट है और आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया, जबकि वो था क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी वाला इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। मतलब आप समझ नहीं पाए कि ये इंट्रा है या इंटर है, और बाद में आपको समझ में आता है। तो क्या बोला है कि रजिस्टर्ड पर्सन, क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन हु पेड सीजीएसटी एसजीएसटी और एज द केस में बी सीजीएसटी यूटीजीएसटी ऑन अ ट्रांजेक्शन कंसिडरिंग इट टू बी अ इंटर स्टेट सप्लाई, बट विच इज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी, बाद में क्या पता चलता है कि वो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई, तो द अमाउंट शेल बी रिफंडेड। तो क्या होगा, इट शेल बी रिफंडेड द अमाउंट ऑफ टैक्स सो पेड इन द मैनर एस एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब। रिफंड चैप्टर में इसके लिए दिया है। अगर आप क्या करते हैं, इंट्रा स्टेट मान लेते हैं किसी इंटर स्टेट के ट्रांजेक्शन को, तो आपको वो आईजीएसटी रिफंड कर दिया जाता है, सॉरी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी क्या कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। अब कंडीशन उल्टा है, उल्टा क्या है, था तो क्या इंट्रा और आप मानते हैं इंटर, तो रजिस्टर्ड पर्सन आईजीएसटी पे कर रहा है इंटर मान के, जबकि था वो क्या, इंट्रा ट्रांजेक्शन था। तो यहाँ बोलते हैं यहाँ रिफंड नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, रिफंड नहीं होगा, पर उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा। यहाँ बोलते हैं रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज पेड आईजीएसटी ऑन ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड बाई हिम टू बी इंटर स्टेट बट विच वॉज सब्सिक्वेंटली हेल्ड टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई शेल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ सी जी एस टी एस जी एस टी और एज द केस में भी, क्योंकि वो वहीं पर वो लोग क्या कर लेंगे, उसको एडजस्ट कर लेंगे। उसने आई जी एस टी पे कर लिया ना, मतलब सी जी एस टी एस जी एस टी का ही पार्ट है, और हम उसको क्या कर लेंगे, उसमें ही मान लेंगे, आपको अब इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। पर उल्टा है, सी जी एस टी एस जी एस टी दे रहे हो और है आई जी एस टी, तो उसको रिफंड किया जाएगा और आपको फिर सी जी एस टी एस जी एस टी क्या करना होगा, पे करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड रिकवरी का पार्ट नंबर 3। अब बचता है आपका रिकवरी प्रोसीडिंग। कोशिश करूंगी कि पूरी रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है अब बची हुई है वो एक ही आपके लेक्चर में आ जाए, तो आपको टोटल 3 लेक्चर्स ऑफ डिमांड एंड रिकवरी मिलेंगे। आप उसको अच्छे से देखो, एक दिन के अंदर देखो अपना पूरा क्या करो, डिमांड रिकवरी आज का टारगेट है कि हमें तो डिमांड एंड रिकवरी खत्म करना है, तो करके ही रहो। और कोई डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, तो पूछो पूछो और पूछो और अच्छे से पढ़ो। और मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज शेयर करो वीडियोस, ताकि बहुत सारे बच्चों को इसकी हेल्प मिल सके। मेरे एफर्ट्स के लिए मुझे यही चाहिए कि मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो शेयर करो, मेरी भी हेल्प करो, खुद की भी हेल्प करो, वन ऑन वन डील। ठीक है, ओके, तो अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।